गाइस पैसा तो हमने सेंड कर दिया है और जो हमें करेंसी का रेट मिला है उड़ना है। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं लगभग। मुझे पता चला कि बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। टाइम अभी हो रहा है अभी टाइम हो रहा है गाइस 6:21। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह। सो गाइस सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है। जो ऑफिस वाले लोग हैं वो थोड़ा देर में उठते हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग में उठ के इनको स्कूल जाना पड़ता है। यार ये जो दर्द होता है ना सुबह का, स्कूल टाइम में बहुत होता है, लेकिन भाई साहब मज़े भी इसी टाइम पे ही होते हैं। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जा रहे हैं और अभी हम ये सुनसान सा रास्ता है। सुबह सुबह जाने में बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारे कोई शायद बंगाली भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी स्कूल बस ही हैं क्योंकि स्कूल बस का टाइम हो गया है और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बाहर निकले हुए हैं क्योंकि ऑफिस टाइम लगभग 7 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, हम जा रहे हैं अपनी शॉप की ओर। गाइस अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं दोपहर के और लंच के लिए कुछ खाना लेने जा रहा था बाहर से, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। देखो यार कितने इजीली यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पक्षी कम मिलते हैं लेकिन कबूतर यहाँ पे मिल जाते हैं, हर कहीं देखने को इजीली देखने को मिल जाते हैं कहीं पर भी। ये अपने सामने एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे चलेंगे और यहीं देखेंगे कुछ खाने का मिल सकता है। और कुछ सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाते हो क्या? सब्जी वब्जी कोई वेजिटेबल में नहीं बनाते हो क्या? वेजिटेबल बनाएगा, आज खत्म हो गया। नहीं जैसे ग्रीन सब्जी में कुछ जैसे आलू आलू गोभी वगैरह बनता है तो आज नहीं खत्म हो गया। चलो ओके सुबह हमने पार्सल ले लिया, ये चिकन का पार्सल है। और क्योंकि गाइस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है कि अगर आप वेजिटेरियन हो या वेजिटेबल खाने का मन है तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे नाश्ते में हर चीज़ यानी नॉन वेज मस्ट होता है, नॉन वेज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो थोड़ा सा सतर्क हो गया आइएगा जो लोग भी वेजिटेरियन है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मिलता नहीं है, मिलता है, बाकी बहुत सी ऐसी कैफेटेरिया होटल्स भी हैं कि वहाँ मिल जाता है, लेकिन पहली चीज़ कॉस्टली होगा, सेकंड चीज़ कि आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। लेकिन चिकन मटन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, चिकन मटन अंडा अंडे वंडे ये सब आपको बड़ी ईजिली बड़ी नॉर्मल तरीके से मिल जाता है यहाँ पर। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:56 यानी 5 बजने वाले हैं लगभग और अभी हम जा रहे थे नीचे और अभी हमें जाना है अपनी दुकान पे क्योंकि ड्यूटी हमारी दोबारा से स्टार्ट है। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। मुझे ना मैं जब अभी नहा रहा था तो मुझे पता चला कि बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है, बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है। रीज़न उसका शायद किसी बिल्डिंग के जो टाइल्स होती हैं तो वो टाइल्स शायद निकलने वाली है, जिसकी वजह से मुझे मास्क सबसे पहले लगा लेना है क्योंकि क्या पता फाइन ही दे दें और फाइन तो बहुत महंगा है। ये सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद कहीं पर से टाइल्स उखड़ रही हैं और बाहर भी कहीं शायद उखड़ रही क्योंकि मैं तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कितनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे दे दी गई है क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है इसीलिए। और यहाँ की भाई पुलिस भी बहुत ज़बरदस्त है यार, और इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया, आप देख सकते हैं। कौन सी बिल्डिंग से टाइल्स निकल रही है? अबे हाँ यार अबे अगर खुल गई ना ये तो पूरी निकल रही है भाई। इस टाइम अभी हो रहा है 11:17 हो रहा है और एक्चुअली क्या है ना मुझे जाना था घर पे पैसे लगाने इंडिया में, ठीक है? तो अभी मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ और
वैसे मैंने इस पर काफ़ी ब्लॉग बनाए हैं, लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको कि क्या क्या होता है वहाँ पे और कितने रेट पे क्या रेट मिलता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है या फिर कितने दिन में मिलता है पैसा, और वन दराहम का कितना दराहम बनता है वगैरह वगैरह। मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ। बाहर काफ़ी अंधेरा है क्योंकि इस तरफ तो लाइट है नहीं, बाकी बाहर लाइट आपको मिलेगी। ये देखो ये गेट है, बड़ा सा गेट है, आराम से जो है बड़ी गाड़ी आ जाएगी। सो गाइस एंट्री हम कर चुके हैं, अब दिखाते हैं आपको आल अंसारी एक्सचेंज, ठीक है। दो जगह एक जगह दो जगह दो जगह एक जगह एक 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 जगह दो जगह कितना कितना बार करना? नहीं नहीं साइन पूछ रहा, कभी कभी होता है ना दो, आप बोलते हो दो जगह कर दो उसके लिए। पैसा तो हमने सेंड कर दिया है और जो हमें करेंसी का रेट मिला है वो 19.94 का मिला है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नॉर्मल और एक होती है, एक सर्विस होती है नॉर्मल और एक सर्विस होती है फ्लैक्सी। फ्लैक्सी का मतलब उन्होंने कहा था कि जल्दी पहुंच जाता है और नॉर्मल में तकरीबन दो दिन लगते हैं। तो नॉर्मल का रेट शायद 20 रुपये 2 पैसे था और इसका 19.94 रुपये था नॉर्मल वाले का। हालांकि मुझे अर्जेंटली भेजना था ताकि कल मिल जाए, तो मैंने वही भेज दिया और मुझे रेट वही मिला है। और जो प्रोसेसिंग फीस इनकी जो इनका चार्जेस लगा है वो लगा है 21 दरहम 90 फिल्स, ये होता है 21 दरहम 90 फिल्स। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं फिर कल किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, दुबई से बाय बाय, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। पीछे का कुछ यूँ नज़ारा है, ठीक है, ओके बाय।